संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, बहुत प्यारा प्रश्न है। संसार में मनुष्य में वह कौन सी विशेषता है जिससे कि मनुष्य का सम्मान होता है, मनुष्य की यादें होती है, मनुष्य का आदर होता है और मनुष्य दुनिया छोड़कर चला जाता है तो भी मनुष्य का यश, मनुष्य की कीर्ति संसार में फैलती रहती है। वह कौन सी चीज है जिससे कि मनुष्य महान बनता है और उसको बहुत लोग पसंद करते हैं। आज मैं ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे कि तुमको बहुत से लोग पसंद करें, हालांकि तुम बहुत दिनों से ये चाहते हो कि हमको पसंद करें लोग, लेकिन तुमको कोई पसंद नहीं करता है। आज मैं ऐसा मंत्र देने वाला हूं कि तुमको ज्यादा लोग पसंद करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वह कौन सी चीज है जिससे कि मनुष्य सुख पाता है और शांति भी पाता है, और वो चीज ना तो पैसे से मिलती है, न बाजार में मिलती है, न उधार में मिलती है, न चालाकी से मिलती है, न जबरदस्ती मिलती है, वो फ्री ऑफ कास्ट होती है और जितना चाहो उतना ले सकते हो, कम पड़ती नहीं। विश्व के सभी लोग उसको ले लें फिर भी कम नहीं पड़ती है, और जितना लो उतना बढ़ती जाती है। वो कौन सी चीज है और कहाँ मिलती है, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कबीर से दूंगा और रामायण से भी दूंगा, दोनों का संगम बिठाऊंगा यहां। ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। चाणक्य से पूछा गया, किसी मनीषी ने पूछा है, वे कौन से लोग हैं जिनको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, उनके क्या कारण होते हैं जो लक्ष्मी विहीन हो जाते हैं, जिनसे लक्ष्मी रूठ जाती है, और वे कौन से लोग हैं जिनके घर में लक्ष्मी आकर के निवास करती है। चाणक्य कहते हैं, जिन लोगों के अंदर पांच बातें होती हैं उनको लक्ष्मी छोड़ देती है, और जिनके अंदर तीन बातें होती हैं उनका लक्ष्मी चुनाव कर लेती है। वे पांच बातें कौन कौन हैं और वे तीन बातें कौन कौन हैं, ये दो प्रश्न हैं। इसका उत्तर भी थोड़ी देर में दूंगा। एक तीसरा प्रश्न और आपके बीच में रख देता हूं, बड़ा मार्मिक प्रश्न है। कठोपनिषद के ऋषि से प्रश्न पूछा गया, वे कौन से लोग हैं जो मरने के बाद पुनः लौट कर नहीं आते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु होती है और उसके बाद में पुनः उनका जन्म नहीं होता है, मोक्ष हो जाता है, उनके क्या लक्षण होते हैं। यही प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवत गीता में पूछा है, और यही प्रश्न कठोपनिषद के ऋषि से पूछा गया है। दोनों का संगम करूंगा, उपनिषद और गीता का, कबीर और रामायण का, ये संगम गीता और उपनिषद का संगम, और चाणक्य का, ये तीन सवाल लिए गए हैं आज। सीधे बैठ जाओ।
आइए पहला प्रश्न हम उठा लेते हैं जो कबीर और रामायण से संबंधित है। कबीर साहब से पूछा गया है, वे कौन से लोग हैं जो लोग संसार में सुख पाते हैं, यश पाते हैं, कीर्ति पाते हैं और उनकी दुनिया से चले जाने के बाद उनकी खुशबू संसार में फैलती रहती है। वह कौन सी चीज है जिसके कारण उनको ऐसा होता है? कबीर कहते हैं, कबीर एक संत है, कबीर एक महात्मा है, कबीर एक साधु है, कबीर बहुत ज्ञानी है, कबीर सामान्य हिंदी में ज्ञान की बात बताते हैं लेकिन उनकी बात में बड़ी दम रहती है, बात को तौल देते हैं कबीर साहब। और कबीर साहब एक निडर संत है, निर्भय संत है, डरपोक नहीं है। समाज में जहां जहां अंधेरा देखा वहां वहां कबीर ने दीपक जलाया है। बड़े विचित्र संत हैं कबीर। मुसलमानों से भी उन्होंने कहा है, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर कहते, कांकड़ पाथर की मस्जिद बना लिया और उस पर ऊँचे चढ़ करके माइक का हॉर्न लगा के चिल्लाते हो, क्या खुदा तेरा बहरा है? वो तो एक चींटी के पैर की आवाज को भी सुन सकता है, तो इतना जोर हल्ला मचाता है। और हिंदुओं को भी समझाया कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। कितना बड़ा तर्क दिया है कि अगर ये छोटा सा पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो फिर मैं पूरा हिमालय पहाड़ पूज देता हूँ, बात खत्म हो जाए, टुकड़ा टुकड़ी ढूंढने की जरूरत ही नहीं। और फिर लास्ट में ये भी बात कह दी कि घर की चक्की कोई न पूजे, जाकर पीस खाए संसार। और घर में जो घंटी लगी है हाथ से चलाने वाली, गुजराती भाषा में घंटी बोलवानू छे, इसको घंटी कहते हैं, तो वो उसकी पूजा नहीं करते हो जो कि तुमको गेहूं पीस करके देती है, आटा दे देती है। और ये तो कबीर कहते हैं कि पहले ये तो सोचो भगवान है कहाँ, हरि है कहाँ। और हरि को तुम ढूंढ रहे हो, भगवान को ढूंढ रहे हो। भगवान क्या कोई बच्चा है जो खो गया है तुम ढूंढ रहे हो? और भगवान को तुम ढूंढ रहे हो, ये भगवान की कितनी बड़ी हंसी हो गई। और भगवान यदि तुमसे मिलना चाहता तो बिना ढूंढे खुद आकर मिल लेगा, और मिलना नहीं चाहता, तुमसे छिपना चाहता तो तुम कितना ढूंढो वो मिल भी नहीं सकता है। तो ये ढूंढना फालतू काम है, उसको क्यों ढूंढते हो? तो लोग कहते, भगवान को ढूंढूंगा उसके पैर छू लूंगा। क्यों पैर छू लूंगा? बोलते, भगवान को मैं देख लूंगा और उनके पैर छू लूंगा। नौ प्रकार की भक्ति शिवरी को समझाया है राम ने, उसमें देखो क्या कहा है, भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं। राम ने बताया है कि नौ प्रकार की भक्ति क्या है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग करो, सत्संग सुनो। आज जो तुम कर रहे हो ये प्रथम भक्ति है। दूजे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति सत्संग कथा के प्रसंगों में प्रेम रखो, रुचि रखो, ध्यान से सुनो, कथा में सो मत जाओ। कितने लोग कथा सुनने आते हैं, दो घंटे में एक नींद मार देते हैं। लोग उनसे पूछते हैं कथा कैसी लगी, बोले बहुत आनंद आ गया, एकदम पूरी बॉडी को रिलैक्स मिल गया। दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमार, गुरु के कमल रूपी चरणों की सेवा करना।
और वो भी निर्मानता पूर्वक अहंकार के सहित नहीं, ये तीसरी भक्ति। तो आपका गुरु होना चाहिए, और गुरु ऐसा हो जिसके चरण कमल हो, मुख कमल हो, नयन कमल हो, कर कमल हो, पद कमल हो, जीवन कमल हो, वह गुरु हो। ऐसा नहीं केवल नाम का गुरु हो। गुरु गांजा पी रहा है, चेला भांग खा रहा है। जाका गुरु है अंधरा, चेला काह कराए, अंधी अंधा ठेलिया दोनों को पराए। बुझा हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को नहीं चला सकता है, अंधा व्यक्ति अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, अज्ञानी गुरु अज्ञानी शिष्य को कल्याण के मार्ग पर नहीं चला सकता है। इसलिए आपका गुरु ज्ञानी होना चाहिए, प्रचंड बोध होना चाहिए, और वैराग्यवान जितेंद्री होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए। गुरु करे जाने के पानी पिए छाने के, ये तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान। चौथी भक्ति कपट को छोड़ करके जो अपने इष्ट देव के गुणों का गायन करो, वो चौथी भक्ति है। इष्ट देव का गुणगान करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं। गुरु का गुणगान करो, निंदा बुराई नहीं। कितने लोग तो रात दिन निंदा बुराई में ही लगे रहते हैं, क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, तिकड़म बनाते रहते हैं। मनुष्य का अधिक से अधिक समय शक्ति ऊर्जा निंदा बुराई ईर्ष्या द्वेष चुगली चाही में ही खर्च हो जाता है। आप ईमानदारी से डायरी लेकर बैठिए शाम को, उसमें लिखिए आपका समय कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, तो आप पाओगे कि हमारा समय प्रपंच में लफड़े में ज़्यादा खर्च हुआ है, और ज़रूरत के काम में तो खर्च हुआ ही नहीं है। और इसीलिए आदमी पीछे है, इसीलिए आदमी नीचे है, इसीलिए आदमी बहुत दूर हट गया। आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने टाइम टेबल की सेटिंग करो, अपनी जवानी की ऊर्जा का सही प्रयोग करो, बुद्धि का सही प्रयोग करो, वाणी का सही प्रयोग करो, दृष्टि का सही प्रयोग करो। फालतू देखना भी नहीं है, फालतू सुनना भी नहीं, फालतू पैरों को चलाना भी नहीं है। उद्देश्य होना चाहिए। खाम खां घूम रहे, खाम खां पिकनिक मना रहे, खाम खां ताश खेल रहे, खाम खां गप्पा मार रहे, हा हा हो हो हे हो, मुख फाड़ हंसे राव रंग। कबीर साहब कहते हैं मुख फाड़ करके फालतू बाबा बाबा कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिए हमारा समय कैसे सरकता चला जा रहा है, समय को संभालिए। और जो समय को सही उपयोग कर लेता है, आपके पास में बहुत सारी ताकत है। देखने के लिए जो दृष्टि मिली है, इसके लिए आपने कोई फीस नहीं जमा किया है, ये प्रकृति की ओर से निःशुल्क मिली। लेकिन देखते क्या हो, देखना क्या चाहिए, देखा क्या है आज तक, आगे और देखने का इरादा क्या है, और देखना क्या जरूरी था जो नहीं देखा है। तो जो देखना चाहिए था, जो देखना जरूरी था, उसको तो देखा नहीं, और देखने का इरादा भी नहीं है, और जिसको देखने की जरूरत नहीं है उसी में जिंदगी भर देखते रहे, और देखते देखते आंखें भी खत्म हो गई, और जो देखने के लिए आए थे वो देखा ही नहीं। तो हमें अपनी दृष्टि को संभालना, और जिसकी दृष्टि ठीक हो गई उसकी सृष्टि ठीक हो जाती है, और जिसकी दृष्टि बिगड़ गई उसकी जिंदगी की सृष्टि भी बिगड़ जाती है। और किस दृष्टि से किसको तुम देखते हो, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। आप अगर किसी नारी को मां की दृष्टि से देखते हो, आपका मन एक क्षण में पवित्र हो जाएगा। आप किसी पुरुष को अपने पिता की दृष्टि से देखते हो, आपका मन पवित्र हो जाएगा। आप उसको भोग की दृष्टि से देखोगे, आपके मन में वासना की मलिनता आ जाएगी। दृष्टि का ही पूरा खेल है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। एक शायर कहता है कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए, किनारे बदल गए।
किस्ती मल्लाह को कहते हैं। वो जब अपना रुख बदल देता है तो पूरब की तरह नाव जा रही थी, पूरब किनारे लगनी थी, वो पश्चिम किनारे तरफ नाव लग जाती है। किनारे बदल जाते हैं, किस्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, और आदमी ने नजरें बदली तो उसकी जिंदगी के नजारे बदल गए। नजारे बदल गए, अपनी नजर को बदलो। आपको बुद्धि मिली है, याद करने की शक्ति मिली है, लेकिन याद क्या करते हो, याद क्या करना चाहिए था, पढ़ते क्या हो, फिल्मी गीत याद कर रहे हो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के कोटेशन याद कर रहे हो, कि आप आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ रहे हो, कि गाली गलौज को ही याद रख रहे हो, कि दुश्मनी को याद रखते हो, आपकी मेमोरी में स्टॉक क्या क्या होता जा रहा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मेमोरी का प्रयोग कहाँ कर रहे हो? तो गुणगान करो अपने इष्ट गुरुदेव का, ये चौथी भक्ति है। कपट छोड़कर गुणगान। कितने लोग अंदर कपट रहता है, झूठ मूठ गुणगान किसी का करते, उनको चापलूस आदमी कहते हैं, चापलूस मक्खनबाजी, अपना स्वार्थ हल करने के लिए गुणगान करते रहते हैं। ऐसा नहीं, निष्कपट गुणगान हो, चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। वाह, अच्छा गया हमारा चेला, हम भूल जाए तो मदद कर सकते हैं लोग। ये पांच हम मददगार बिठाए हैं, पांडव देखो आप गिन लो, जहाँ हम कमजोर पड़ते हैं ये तुरंत अपना सहयोग कर देते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति सुबेद प्रकाश। जो गुरु ने तुमको मंत्र दिया, सलाह दिया, ज्ञान दिया, प्रेरणा दिया, उसको हमेशा स्मरण रखना, याद रखना, बार बार स्मरण करना, और दृढ़ विश्वास रखो अपने इष्ट गुरुदेव पर। ये पांचवी भक्ति। छठी भक्ति, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति राम सिवरी से कहते हैं, छठ दम। दम किसे कहते हैं? दम और सम, ये दो चीजें होती हैं। इंद्रियों को दमन किया जाता है और मन को समन किया जाता है। दम का मतलब होता है नियंत्रण करना। जिसकी पांच इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और एक मन, ये छह मिलाकर नियंत्रित हैं, कंट्रोल में हैं, जो सीलवान है, जो विरत यानी वैराग्यवान है, और बहुत से नाना कर्मों में जो वैराग्य भाव से कर्म करता है, निर्लिप्त रहकर कर्म करता है, अनासक्त रहकर कर्म करता है, वह व्यक्ति छठी भक्ति कर रहा है। छठ दम सील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और जिसके अंदर सज्जनता का आचरण है, वो छठी भक्ति। सातवीं भक्ति, सतुई सब मोमय जग देखे, मोते अधिक संत करी लेखे। राम क्या कहते हैं? हे सुबरी, सातवीं भक्ति संसार के नर नारियों को जो मेरे समान देखता है, और संतों को मुझसे भी बड़ा देखता है, समझता है, वो सातवीं भक्ति कर रहा है। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखही पर दोषा। आठवीं भक्ति, जितना सुबह से लेकर के शाम तक लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसमें जो संतोष रखता है, वो आठवीं भक्ति है, संतोष रखना। और दूसरों में दोष न देखना, गुण देखना। यदि एक बहू अपनी सासू में दोष न देखे तो सासू के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाएगा।
और सासू अपनी बहू में गुण देखे तो प्रेम बढ़ता चला जाएगा। जिसमें तुमको दोष दिखाई देने लगते हैं धीरे धीरे उससे तुम्हारी नफरत बढ़ने लग जाती है, और जिसमें गुण दिखाई देने लगते हैं उसके प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ जाता है। गुण दृष्टि और दोष दृष्टि, ये दो प्रकार की दृष्टि होती है, और हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं कुछ दोष भी होते हैं, कुछ अच्छाइयां हैं कुछ कमियां भी हैं। आपकी बहू है चाहे बहुत अच्छी बनाती है, ये गुण है, लेकिन चाहे के बर्तन ठीक से नहीं धोती है, अवगुण। गुण अवगुण साथ में जुड़े। बिस्तर बहुत अच्छा लगाती है, बहुत सुंदर लगाती है, लेकिन सवेरे सोकर उठती नहीं है, लेटी रहती है, ये अवगुण है। बिस्तर टाप का, सोने में गड़बड़ कर दिया, ज़्यादा सोती है। भोजन बहुत अच्छा बनाती है लेकिन परोसती नहीं है, परोसने के समय कमरे में जाकर लेटी रहती है कि अपने आप परोस परोस कर खाओ, कोई होटल थोड़े खोला हम रोज सबको दें, ऐसी बात बोलती है। तो एक गुण और साथ में दूसरा वो है। और जो व्यक्ति अपने दोषों को दूर करता है, अपनी खामियों को निकाल कर बाहर करता है, इसलिए कहा गया है, कबीर ने एक बहुत बड़ी बात कही, बहुत ऊंची बात, बड़ा रिसर्च, डॉक्टरेट डिग्री कबीर की। कबीर ने कहा कि अगर सुख से जीना है परिवार में, समाज में, अपने लोगों के बीच में, कुटुंब में सुख से जीना है, एक काम करना पड़ेगा। क्या? कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सबको, जिने ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोई। कबीर कहते हैं जो आत्माओं लोकन करता है, यानी स्वयं को देखता है और स्वयं स्वयं की गलतियों को पकड़ता है, स्वीकार करता है कि हमारे अंदर क्या क्या बुराई है, और जिस दिन तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो, पकड़ लेते हो, उसी दिन तुम्हारा अहंकार खंड खंड हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जब तक तुम अपनी पीठ को स्वयं थपथपाते रहते हो कि मैं बहुत टॉप का हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे मुकाबले कोई नहीं है, तुम्हारा अहंकार और पहलवान होता रहता है। जब तुम अपनी गलती को पकड़ते हो और स्वीकार करते हो, अपने आप को डांटते हो, समझाते हो, तब तुम्हारा अहंकार पूंछ दबा करके भागता है और नम्रता की मूर्ति तुम्हारे अंदर प्रकट होती है, फिर तुम सबके प्रिय हो जाते हो। और दूसरों में जब तुम हमते भल सबको, दूसरों में भलाई देखते हो, अच्छाई देखते हो, गुण देखते हो, तो तुम्हारे अंदर करुणा आ जाती है, कितना अच्छा आदमी है, क्रोध ठंडा हो जाता है। ये घरों में जो लोगों को बहुत क्रोध आता है ना, क्यों आता है, ये स्वयं को बहुत अच्छा समझते हैं लोग और दूसरों को बिल्कुल गलत ही समझते हैं, इसलिए सब ये भस्मासुर बनते हैं लोग। कितने घरों में भस्मासुर सासू रहती है, पूरा भस्म कर देगी, सारी बहुएं तबाह है। कितने घरों में भस्मासुर बहू आ गई, वो सासू को हैरान किए है। तुम्हारा स्वभाव यदि बिगड़ गया तो तुमसे बहुत से लोग दुख पाएंगे, और तुम्हारा इकला स्वभाव यदि सुधर गया तो तुमसे पूरा कुटुंब सुख पाएगा। याद रखना, तुम्हारा स्वभाव पूरे कुटुंब के ऊपर, देश के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए प्यारे भाइयों, अपने स्वभाव को सुंदर बनाओ ताकि तुम्हारे प्रभाव से सब लोग सुख प्राप्त करें, शांति प्राप्त करें। ताली थोड़ा जोर से बजाया करो, नहीं ऐसा लगेगा शमशान भूमि में आए। कल मैंने बताया था ना, ताली बजाने के कितने फायदे हैं। ताली बजाने से टेंशन खत्म होती, ताली बजाने से गहरी नींद आती है, ताली बजाने से शुगर कंट्रोल होती है। एक दिन बजाने से नहीं, रोज बजाना पड़ेगा, और यदि पति पत्नी मिलकर बजाओगे तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगी। और परिवार सहित मिलकर ताली बजाओ, कुछ ऐसी बात कहो पूरा घर ताली बजाए, तब तो बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाओगे।
क्योंकि टेंशन तो परिवार से ही मिलती है। परिवार का ही कोई सदस्य ऐसा रहता है एक, जो आपको टेंशन का इंजेक्शन देता रहता है। और तुम कितने बुद्धिमान बनो, तुम पड़ोसियों को समझाकर सुधार सकते हो, रिश्तेदारों को समझाकर सुधार सकते हो, लेकिन तुम्हारे चैनल में जुड़ा हुआ कोई न कोई एक व्यक्ति ऐसा रहेगा जिसको तुम लाखों ज्ञान की बातें सुनाओ फिर भी नहीं सुधार सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके साथ में तुम्हारे कर्मफल जुड़े हुए हैं। यदि वो सुधर चाहेगा तो कर्मफल कैसे भोगोगे? इसलिए वो सुधरेगा ही नहीं, तुमको पूरा कर्मफल भोगवा कर तब छुटकारा देगा। और वो कभी कभी तुम्हारे कुटुंब का सदस्य होता है, और कभी कभी पत्नी के रूप में भी होता है, कभी कभी पति के रूप में मिल जाता है, और कभी कभी बेटे के रूप में। एक सज्जन स्वर्णकार हैं, नाम नहीं लूंगा, वे कह रहे थे कि मेरा बेटा और मेरी पत्नी दोनों में इतनी अनबन रहती है। तो बेटा कहता है, ये मेरी माँ जो है ये पूर्व जन्म की दुश्मन आत्मा है, और इसकी माँ बोलती है ये शत्रु पैदा हुआ है मेरे द्वारा, और घर में सब कुछ है गुरुदेव, सोना चांदी है, रुपया है, सब है, मकान अच्छा है, पर ये दोनों की खटर पटर में मेरी जिंदगी भी सब टेंशन में ही बीत रही। तो बोले, अब आपको लगाया हूँ कि दोनों को समझा दो, ज्ञान दे दो, गुरु मंत्र दे दो, तो सबको गुरु मंत्र दे दिया, समझा भी दिया। तो फिर बोले, आधा तो ठीक हुआ पर आधा बाकी है। तो मैंने कहा, वो आधा आपका कर्मफल भोग है, वो भोग नहीं पड़ेगा, वो नहीं सुधरेगा। तो ऐसे हमारे कर्मफल भोग जुड़े रहते हैं। कभी बेटी बन करके कोई आत्मा आती है, वो आपको दुख देगी, टेंशन देगी, इंजेक्शन मारती रहेगी अपने स्वभाव से, विचारों से, बातों से, आदतों से। और यदि आपकी फैमिली में सबके सब कंप्लीट है, सब तरफ से शांति है, तो समझ लेना कि पूर्व जन्म में तुमने बहुत पुण्य कमाया था, तुम्हारे पास पाप की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सब शांति मिली हुई है। पुण्य इसीलिए करना चाहिए, और सबसे बड़ा पुण्य होता है परोपकार करना, सबसे बड़ा पुण्य होता है सत्संग कराना। ये जो सत्संग लोग कराते हैं ना, इनको बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि हजारों लोगों की खोपड़ी ठीक हो जाती है, हजारों घरों में शांति आती है, हजारों लोगों में परिवर्तन होता है, हजारों स्त्रियां चेंज होती हैं, हजारों पुरुषों का नशा छूट जाता है। मध्य प्रदेश में निनोरा गांव में मेरा सत्संग था, उज्जैन के पास। एक आदमी 40 साल से बीड़ी पीता था, पूरा गाँव उसके पीछे पड़ा था, बीड़ी छोड़, बीड़ी छोड़। तो कहता था, पत्नी छोड़ सकता हूँ, गाँव छोड़ सकता, पर बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। और दो दिन प्रवचन सुना वहाँ, तो बीड़ी अपने मन से छोड़ दिया, मैंने नहीं कहा छोड़ो, और बीड़ी छोड़ दिया। तो गांव के लोगों ने पर्ची लिख कर दिया कि बहुत बड़ा धमाका हुआ। तो हमने कहा, हुआ क्या? बोले, बीड़ी छोड़ दिया। हमने कहा, तो छोटी बात है? बोले, बहुत बड़ी बात होगी। पूरा गांव भिड़ा था, नहीं छोड़ा है, आपकी वाणी से छोड़ दिया। तो सत्संग कराने से न जाने कितने लोगों की व्यसन और आदतें छूटती है, घरों में सुख शांति आती है, समाज में शांति आती है। और इस सब का श्रेय सत्संग कराने वाले आयोजक के पास जाता है। तो सबसे बड़ा पुण्य सत्संग कराने से मिलता है, इसलिए हर व्यक्ति को सत्संग कराने का संकल्प लेना चाहिए कि मैं भी सत्संग कराऊंगा, जिससे कि लोगों के घर घर में शांति पैदा हो, इससे हमारा बहुत बड़ा पुण्य होगा। उसी पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में तुमको अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छे माँ बाप मिलेंगे, अच्छे भाई बहन मिलेंगे, अच्छे रिश्तेदार मिलेंगे, अच्छे आपको उसी पुण्य के प्रभाव से पति जी मिलेंगे, अच्छी पत्नी मिलेगी। अगर पुण्य की कमी हो गई तो पत्नी तो मिलेगी, लेकिन ऐसी पत्नी मिलेगी या तो सुपर्णखा के रूप में मिलेगी, या कई कई मिलेगी, हट कर देगी, तुम्हें परलोक पहुंचा देगी। और यदि आपने बहुत पुण्य कमाया है तो याद रखना प्यारे भाइयों, फिर आपको सीता जैसी पत्नी मिल जाएगी, राम जैसा पति मिल जाएगा, और तुम्हारा जीवन शांति से बीत जाएगा। हर दुख सुख में साथ देंगे,
और आपका जीवन शांति से व्यतीत होगा। इसलिए पुण्य कमाइए और साथ साथ में ज्ञान को भी प्राप्त कीजिए, आत्मज्ञान को प्राप्त कीजिए। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सच्चे भाव में समझो कि परमात्मा कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है। बिना समझे बूझे उसको ढूंढने के लिए मत निकलो। पहले एड्रेस ठीक से समझ लो वो रहता कहाँ है, फिर उसकी तलाश करो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। कस्तूरी कुंडल बसे।